और क्या दोस्ती है दोनों के बीच में। आप लोग देख सकते हो किस तरीके से लायंस खेल रहे हैं, देखो तो होंठ कैसे कर रहे हैं, कितना ज्यादा क्यूट है। यह है हिप्पोपोटेमस दरियाई घोड़ा। हेलो गाइज, वेलकम बैक इन माई अनदर ब्लॉग एंड इन माई चैनल योर पर्सनल ब्लॉगर। मैंने आपको मेरे पिछले ब्लॉग में दिखाया कि किस तरीके से मैं धनबाद से जमशेदपुर आया। आज मैं आपको जमशेदपुर के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेस को घुमाकर दिखाने वाला हूँ। इस प्लेस की केयर टेकिंग खुद टाटा करती है। ये ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है, सो लेट्स बिगिन द इंट्रो। आप लोग देख सकते हो मैं भी एक गार्डन में हूँ और यहाँ पे देख सकते हो कितने ज़्यादा ग्रीनीज है, कितने सारे ट्रीज वगैरह लगे हुए हैं। आप लोग पोस्टर में भी देख सकते हो कि यहाँ पे कितने वैरायटीज ऑफ बर्ड्स देखने को मिलते हैं। सामने आप अभी एक पॉन्ड भी देख सकते हो जिसके ठीक सेंटर में एक फाउंटेन भी है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। अभी हम लोग पॉन्ड के करीब चलते हैं। और जो लोग अभी जमशेदपुर से मेरे इस ब्लॉग को देख रहे हो, आप लोग तो समझ ही चुके हो कि मैं कौन से प्लेस में हूँ, लेकिन जमशेदपुर से बाहर वाले लोगों, ये ब्लॉग आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है। यहाँ पे आप बहुत ही एडवेंचरस और ब्यूटीफुल चीज़ें देखने वाले हो। सो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कुछ भैया फिशिंग भी कर रहे हैं, कितने ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर मुझे भी करने मिलता तो एकाध फिश तो ज़रूर पकड़ के ले जाता, जोक सपाट फिश पकड़ता और फिर से पानी में ही छोड़ देता। सो आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको बता ही देता हूँ कि मैं आज आप लोगों को टाटा जूलॉजिकल पार्क घुमाने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, जमशेदपुर में जू भी है जिसकी केयर टेकिंग खुद टाटा करती है और उस जू का नाम है टाटा जूलॉजिकल पार्क। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग अभी चलते हैं जू की ओर। आप लोग सामने देख सकते हो यह है टाटा जूलॉजिकल पार्क की गेट। दोस्तों मैं जैसे ही गेट के पास गया वहाँ पर मुझे तो एंट्री नहीं मिली। वहाँ पर जो गार्ड थे उसने बताया कि ये गेट अभी टेम्पोररीली बंद है, आपको दूसरे गेट से एंट्री करना पड़ेगा। तो अभी चलते हैं दूसरे गेट की ओर और पार्क के अंदर घुसते हैं। अभी मैं आ चुका हूँ टाटा जूलॉजिकल पार्क के दूसरे गेट पे। यहाँ से देख सकते हो बहुत सारे पर्संस अंदर जा रहे हैं, तो मैं भी चलता हूँ अंदर, पार्क में एंट्री लेता हूँ और बहुत सारे एनिमल्स को देखूँगा। बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस और इंटरटेनिंग फील कर रहा हूँ दोस्तों। आपको कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो पार्क में एंट्री करने के लिए हमें टिकट काटने पड़ते हैं, तो मैंने भी टिकट काट लिया। टिकट का कॉस्ट मुझे 30 रुपीज़ पड़ा। तो यहाँ से एंट्री हो रहा है, गार्ड को टिकट दिखाता हूँ और पार्क के अंदर एंट्री लेता हूँ। गार्ड को टिकट दिखाकर अभी हम लोग पार्क के गेट के पास पहुंच चुके हैं। गेट के सामने भी आप लोग देख सकते हो कितने सारे ब्यूटीफुल कलाकृतियाँ की हुई है वॉल पे। तो अभी चलते हैं अंदर। तो मेरे दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अंदर। आप लोग देख सकते हो पार्क के अंदर आते ही हमें एक छोटा सा पॉन्ड देखने को मिलता है जिसमें भी फाउंटेन है। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है ना दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हो पानी कहाँ से आ रहा है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। आप लोग देख सकते हो पानी झरने से बहते हुए इस पॉन्ड पर आ रहा है और पॉन्ड में फाउंटेन भी था। तो अभी हम लोग जू को घूमना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे आप लोग बियर्स ऑफ इंडिया देख सकते हो। तो अभी हम लोग सबसे पहले बियर देखने वाले हैं। तो आप यहाँ पे बियर देख सकते हो। क्या आपने कभी इतने करीब से बियर को देखा? मैं आपको बढ़िया तरीके से करीब से बियर को दिखाऊंगा। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ब्लैक रंग का यहाँ पे एक बियर है, कितने इसके मुलायम फर लग रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा क्यूट है ना दोस्तों। अरे देखो तो होंठ कैसे कर रहे हैं, कितना ज़्यादा क्यूट है। बियर देखने के बाद अभी हम लोग आगे आ चुके हैं और यहाँ पे हमें कुछ डियर्स देखने को मिलते हैं। आप लोग देख सकते हो अपने झुंड में सभी डियर्स घास फूस खा रहे हैं। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे और क्या क्या एनिमल्स हमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं। कुछ आगे आते ही हमें दक्षिण अफ्रीकी शेर देखने को मिलते हैं। जूम करके आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पे लायंस को देख सकते हो।
देखो दो लायंस सोते हुए हैं और क्या दोस्ती है दोनों के बीच में। आप लोग देख सकते हो किस तरीके से लायंस खेल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। क्या आपने इस तरीके से खेलते हुए कभी लायंस को देखा है? सामने से देखकर बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लग रहा, दोनों में क्या दोस्ती है, मानो ये दोस्ती हम ना तोड़ेंगे, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो मेरे दोस्तों कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताओ कि आपको लायन को इतने सामने से देखकर कैसा लग रहा है। मुझे भी तो जानना है कि आपको मैं इतने अच्छे तरीके से ब्लॉग बनाकर दिखा रहा हूँ तो आपको कैसा फील हो रहा है। और अगर ब्लॉग पसंद आती है तो एक छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। यहाँ पर आप लोग बाघ देख सकते हो, मैं आपको अच्छे तरीके से दिखाता हूँ कि बाघ यहाँ पर कैसे है। आप लोग देख सकते हो बाघ सामने से चलता हुआ हमारे तरफ आ रहा है, कितना ज़्यादा डेंजरस, एडवेंचरस एंड ब्यूटीफुल लग रहा है ना दोस्तों। देखो मानो रैंप पे वॉक करते हुए आ रहा हो, सामने से वॉक करते हुए आया फिर उसी रूट को फॉलो करते हुए पीछे की ओर चला गया, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। क्या आपने कभी इतने सामने से बाघ को देखा? मैंने तो नहीं देखा, देखकर बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लग रहा है। अभी कुछ आगे आते ही हमें भारतीय तेंदुआ देखने को मिलती है। इससे पहले मैंने आपको लायन और बाघ दिखाया, वहाँ पर पूरे नेट से कवर जालियाँ नहीं थी, लेकिन तेंदुआ पेड़ों में भी चढ़ सकते हैं ताकि इंसान पे हमला न कर दे, इसीलिए पूरे नेट से कवर है, आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पर आप लोग तेंदुआ को देख सकते हो सुस्ती से अपना आराम कर रहा है। और अभी कुछ आगे आते ही हमें रोजी पेलिकन देखने को मिलती है। आप लोग देख सकते हो, मैं आपको बढ़िया तरीके से जूम करके दिखा देता हूँ कि रोजी पेलिकन कैसी दिखती है। इससे पहले मैंने भी कभी नहीं देखा था, मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है देखने का। आप लोग देख सकते हो ना हिल रही है ना डुल रही है, एक जगह पर खड़ी है। अरे ये पीछे बतख क्या कर रहा? रोजी पेलिकन अपने सोच में खड़ी है और बतख पीछे से उसको देख रहा है। तो अभी आगे बढ़ते हैं, कुछ आगे आते ही हमें एक्वेरियम्स देखने को मिलती है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर डिफरेंट वैरायटीज के फिशेस रखी हुई है डिफरेंट डिफरेंट एक्वेरियम में। तो अगर आप इनमें से कोई भी फिश को पहचानते हो तो कमेंट सेक्शन में इनके नाम जरूर लिख कर बताना। और मेरा एक डाउट है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये लास्ट वाला एक्वेरियम में क्या ये छोटी छोटी शार्क्स है? मुझे तो इस फिशेस के नाम पता नहीं, अगर आपको जानकारी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि ये शार्क्स है या नहीं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं बर्ड सेक्शन में, यहाँ पे आप लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स देख पाओगे। क्या आपने इतने डिफरेंट टाइप्स के बर्ड्स कभी देखे थे? आपको कैसा लग रहा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अभी हम लोग आ चुके हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेस में, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यह है हिप्पोपोटेमस, दरियाई घोड़ा। देखो नाम लेते ही अंदर की ओर चली गई, इतने सामने से दरियाई घोड़ा मैंने फर्स्ट टाइम देखा। और ये रही मेरे जो हेटर्स हैं उनकी कुछ तस्वीरें, आप लोग देख सकते हो। हाँ मेरे हेटर्स तो बंदर ही हो गए ना, जो कि मेरे ब्लॉग डिसलाइक करते हैं। सो अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जू में और क्या क्या है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो भारतीय शाही, जो कि पॉर्क्यूपाइन है, इसके पीठ में कांटे होते हैं, तो कोई भी एनिमल अगर इस पे हमला करते हैं तो ये अपने कांटे को उस पे चुभकर अपना जान को बचाती है।
टाटा जूलॉजिकल पार्क तो कमाल का है, यहाँ पर तो बहुत ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स है, देखकर तो मज़ा ही आ गया। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ यह है, आप लोगों ने तो हाथी घोड़ा दरियाई घोड़ा हर चीज़ देखा, लेकिन क्या इसको देखा आपने? मैं तो फर्स्ट टाइम इंडिया में देख रहा हूँ इसको, वो भी टाटा जूलॉजिकल पार्क में। यह है मैंड्रिल बंदर, आप लोग देख सकते हो। इसको आप लोग कहाँ देखे होगे पता है? द लायन किंग जो मूवी थी उसमें जो बंदर सिम्बा को हाथ में उठाता है ना, वही बंदर है। मैं भी देखकर चौंक गया था, बहुत ही ज़्यादा मस्त लग रहा देखने में। देख सकते हो किस तरीके से पोज दे रहा, मानो कोई मॉडल हो। तो अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे और क्या है। यहाँ पर आप लोग व्हाइट डियर्स देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और ये रही जेब्रा, तो माय डियर फ्रेंड्स मैंने आपको पूरा टाटा जूलॉजिकल पार्क घुमाकर दिखाया, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को छोटा सा लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर ले, आगे और भी इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स आने वाली है। सो बी विथ मी, एंजॉय करो ब्लॉग को और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। गुड बाय टाटा, जय हिंद जय भारत।